नमस्ते एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम कुर्ती पर यह नेक डिजाइन बनाना सीखेंगे। इस नेक डिजाइन की कटिंग हमने कैसे की है और साथ में हमने इस पर एंकरिंग कैसे की है, यह भी इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस नेक को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हमारे जो पेपर पेस्टिंग आती है उसका प्रयोग किया है। इसकी चौड़ाई मैंने यहाँ पर 9 इंच और इसकी लंबाई जो है 11 इंच ली है। इस बुकरम को हम यहाँ पर चौड़ाई की साइड में डबल फोल्ड करके इस तरह से रख लेंगे। मैंने यहाँ पर पेपर पेस्टिंग का प्रयोग इसलिए किया है क्योंकि यह हमारे फैब्रिक के साथ अच्छे से चिपक जाती है। ऊपर की साइड अब यहाँ पर हम इसकी चौड़ाई मार्क करेंगे, तो मैंने यहाँ पर इसकी चौड़ाई 6 इंच, तो उसका आधा यानी कि 3 इंच पर निशान लगाया है और गहराई हम इसकी 6 इंच रखेंगे। और इस तरह से हम यहाँ पर एक बॉक्स बनाकर जिस तरह से हम हमारे जो राउंड नेक की कटिंग करते हैं इस तरह से मार्क कर लेंगे। नीचे की इसकी गहराई के लिए मैंने 1.5 इंच पर निशान लगाया है और इस गहराई को चौड़ाई के लिए मैंने यहाँ पर 1.5 इंच की चौड़ाई यानी कि 1.5 इंच की नीचे इसकी गहराई रहेगी और 1.5 इंच की इसकी यहाँ पर हमने चौड़ाई दी है। अब यहाँ पर हमने जो है इसके कॉर्नर को राउंड शेप देना है। आप यहाँ पर जिस तरह से भी इसकी शेप देना चाहें वह दे सकते हैं। कई बार जो है किसी को बिल्कुल सीधा और किसी को थोड़ा राउंड शेप पसंद होती है, तो उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पर कॉर्नर को आप एडजस्ट कर लें। अब यहाँ पर देखिए हमारा जो साइड में बचा हुआ बुकरम का टुकड़ा है वह 1.5 इंच का है और उससे आगे हम इस तरह से हल्का घुमाते हुए शेप दे लेंगे। अब यहाँ पर हमने जितने भी निशान लगाए हैं वहां से इसकी कटिंग को कर लेंगे। यहाँ पर देखिए हमारे नेक की कटिंग हो चुकी है। अब हम इसे अपने फैब्रिक पर प्रेस की सहायता से पेस्ट कर लेंगे। यहाँ पर मैंने इस नेक को बनाने के लिए जो बॉटम का फैब्रिक है उसको लिया है और उसके ऊपर हमने इस नेक को पेस्ट किया है और यहाँ से इसकी साइड से हमने 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखते हुए फैब्रिक को कट किया है और हमने जो यह साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक कट किया था इसको अंदर की साइड फोल्ड कर लेंगे जैसा आपको वीडियो में नजर आ रहा है। यह देखिए सिलाई लग जाने के बाद हमारा नेक कुछ इस तरह से नजर आ रहा है और यह हमारे नेक की सीधी साइड है। अब यहाँ हम इसके पर एंकरिंग करेंगे, तो आप एंकरिंग का धागा अलग से आता है, अगर वह नहीं है तो आप इसमें मैचिंग का जो हमारी सिलाई वाली रील होती है उसको डबल फोल्ड करके इसमें ऊपर की साइड डाल लें। अब यहाँ पर देखिए हमारी जो ये सीधी लाइनें हैं हम बिल्कुल सीधी सीधी लाइनें यहाँ पर चलाते हुए इस पर लगा लेंगे। अगर आप इसकी एंकरिंग है जो थोड़ी ज्यादा थिक चाहते हैं तो हमारे जो नीचे हम गिट्टी में धागा भरते हैं तो वहां पर आप 3 से 4 राउंड इसमें इस कलर के भर लें और यह जो हम सिलाई अब सीधी साइड से लगा रहे हैं तो आप वह सिलाई इसकी उल्टी साइड से लगाएंगे। यहाँ पर हम इसी तरह से सीधी सीधी लाइनें हमारे पूरे नेक पर लगा लेंगे। आप यह सोच रहे होंगे कि मैं ऊपर फुल क्यों नहीं लेके जा रही हूँ। मैंने यहाँ पर सिर्फ वहीं तक सिलाइयाँ लगाई हैं जो मेरे गले में रहेंगी, एक्स्ट्रा हमारा फैब्रिक कट जाएगा। तो यह देखिए फाइनल हमारी जो है सारी सिलाइयाँ लग चुकी हैं और यह हमारे नेक की उल्टी साइड है। अब हम अपनी कुर्ती को लेंगे। यहाँ पर यह हमारी कुर्ती की सीधी साइड है, हमें इसे सीधी साइड लेके आना है तो हम अपने नेक को उल्टी साइड अटैच करेंगे। तो इसके लिए हम अपने नेक को अब लेंगे और इसके बिल्कुल सेंटर मार्क कर लेंगे नेक का और कुर्ती का
और दोनों को बिल्कुल अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर कच्ची सिलाई लगाकर या पिन की सहायता से भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो यह हमारा यह कॉटन का फैब्रिक है जो अच्छे से इस पर रखा जा चुका है और ये हिल नहीं रहा है, तो मैंने यहाँ पर ऐसे ही सिलाई लगा ली। तो हमने जो नेक कटिंग की थी बिल्कुल उसकी किनारी पर से हमें यह सिलाई लगानी है। यहाँ पर यह हमारी पक्की सिलाई है। यह सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद हम यहाँ पर 1/2 इंच का एक्स्ट्रा का मार्जिन रखेंगे, जैसे हम नॉर्मल किसी भी नेक में रखते हैं, और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे। इसके बाद हम जैसे हम नेक में कटिंग लगाते हैं छोटे छोटे, ताकि हम इसको जब सीधी साइड लेके जाएं तो इसमें झोल ना आए, इस तरह से इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे। और अब यहाँ पर हम अपने नेक को सीधी साइड लेके आएंगे, इसके जितने भी कॉर्नर्स होंगे उनको अच्छे से सीधा कर लेंगे। अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी जो किनारी है वहां पर पक्की सिलाई लगाकर इसको एकदम पक्का कर लेंगे, ताकि हमारे जो यहाँ पर अंदर की साइड फैब्रिक रखा है कम है वो, और वो छोटे छोटे कट लगाने के बाद धागे निकलते हैं जो कुछ वॉश के बाद वहां से हमारा नेक है जो वो खराब हो जाता है, तो इसलिए यह प्रॉब्लम हमें फेस न करनी पड़े। तो हम इसकी बिल्कुल किनारी पर से एक पक्की सिलाई और लगा लेंगे। अब यहाँ पर हमने जो है बाहर की साइड दूसरी किनारी पर भी हम सिलाई लगाकर इसको हमारी कुर्ती के साथ अच्छे से एडजस्ट कर लेंगे। अगर आप यहाँ पर अंडरग्राउंड कोई लेस लगाना चाहें तो इसी के साथ साथ हमें अभी यहीं पर अटैच करनी है, लेकिन मैं यहाँ पर इसके ऊपर से लेस को अटैच कर रही हूँ, तो इसके लिए मैं यहाँ पर इस नेक को ऐसे ही अपनी कुर्ती के साथ अटैच कर लूंगी। अब यहाँ पर हम अपनी पसंद की लेस लेंगे। ज्यादातर यहाँ पर जो है हमारी जो कोड़ी की वाली या कोइन वाली लेस आती है उसी का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें इस कुर्ती पर यह लेस लगानी थी तो हमने यहाँ पर सिंपल जो थ्रेड की लेस होती है उसी का प्रयोग किया है। और हमने इस किनारी पर से जैसे हमारे यहाँ पर कोई भी कॉर्नर या घुमाव आता है तो हम लेस को हल्का हल्का जो है फोल्ड करेंगे, ताकि हमारी जो लेस है सीधी होती है वो राउंड शेप में आने पर झोल ना दे। तो हम हल्का हल्का इसकी किनारी पर से ही शुरू में ही सिलाई लगा लेंगे इसको दबाते हुए। यहाँ पर एक सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद हम इसके कॉर्नर पर से एक सिलाई और लगाएंगे, ताकि हमारी जो यह लेस है वो ऊपर की साइड उठे न, और इस तरह से हमारा जो नेक की जो लेस है वो एकदम पक्की हो जाएगी, ताकि बाद में वॉश हो जाने के बाद वह इधर उधर न डिगे और एकदम अच्छे से हमारी लेस रहे और प्रॉपर फिनिशिंग में वो नजर आए। इसी के साथ हमारे नेक का यह डिजाइन कंप्लीट होता है। आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। आप मुझसे जो भी सीखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं, मैं उसकी वीडियो जरूर बनाऊंगी। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।